एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल राजवीर फिटनेस सीरीज। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, आज हमारा वर्कआउट है डे 62 का। कटिंग सीरीज चल रही है हमारी 3 महीने की। पहले 2 महीने का वर्कआउट निकल चुका है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरी वीडियोस के साथ, वो जान लें, पहले महीने का वर्कआउट कर लें, देन दूसरे का कर लें, देन इस वर्कआउट पर आएँ, क्योंकि ये वर्कआउट आपके लिए थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हमारे एब्स एंड साइड्स का वर्कआउट। कल किया था हमने चेस्ट एंड बैक, आज पूरी बॉडी को रेस्ट देंगे, सिर्फ एब्स और साइड्स को टारगेट करेंगे और थोड़ा बहुत कार्डियो करेंगे। और गाइस, जो आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हो, सर टी शर्ट्स के लिंक दे दो, टी शर्ट्स के लिंक दे दो, शूज़ के लिंक दे दो, मैंने ऑनलाइन ख़रीदा होगा तो लिंक दूंगा ना, तो कितनी बार मुझे मैसेज आता है। लेकिन अभी एक टी शर्ट, ये देख सकते हैं आप, रैप्टर गियर। तो गाइस, ये जो टी शर्ट है, दिस इज़ रैप्टर गियर, आप देख सकते हैं, WG ऑनलाइन आपको मिल जाएगी अगर आपको अच्छी लगे। इसमें बहुत सारे कलर हैं, बहुत स्ट्रेच वाला फैब्रिक है, 5-5 सिलाइयाँ हैं इसके, एक उस पर कि फटने वटने का डर नहीं, और ऑर्डरलेस है, मतलब कि बदबू नहीं आती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको खरीदनी है, RAJFIT एक कूपन कोड लगा के आप खरीद सकते हैं, आपको 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 रुपये कुछ किया। और मैं कोई, मेरे को झूठ नहीं बोलना था कि मैंने खरीदी है, इन लोगों ने मुझे फ्री में भेजी है, कि आप पहनो, पहन के देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने छोटे भाइयों के साथ अपने चैनल पर शेयर कर देना, उनको अच्छी लगेगी तो वो खरीद सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाई कर सकते हैं, करनी है तो 500 रुपये की है, मेरा कोड लगा देना RAJFIT, 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे वर्कआउट की तरफ, जो है आज हमारा एब्स एंड साइड्स वर्कआउट, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करेंगे हमारी फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस के साथ, जो कि हम अपने पिछले 60-61 दिन से करते आ रहे हैं। तो पुरानी वीडियो काट के डाल रहा हूँ, ये 6 एक्सरसाइज आप ज़रूर कर लें। गाइज, ये 6 एक्सरसाइज करने के बाद आपको फील आएगा आपकी बहुत कैलोरीज बर्न हो गई हैं, बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हम करेंगे हमारा साइड्स एंड एब्स का वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। लास्ट टाइम जो हमने वर्कआउट किया था हमारे एब्स का, वो हमने किए थे सुपर सेट्स, जैसे एक दिन की हमने अपर एब्स के लिए सुपर सेट्स, नेक्स्ट डे की पहले अपर एब्स के सुपर सेट्स, देन लोअर एब्स के सुपर सेट। आज जो हम करने वाले हैं वो मिक्स कर देंगे वर्कआउट को, हमारे अपर एब्स एंड लोअर एब्स के सुपर सेट्स करेंगे। कैसे करेंगे, डिक्लाइन बेंच पर लेटना है, हर जिम में होगी ये बेंच, तो इसमें हमने क्रंचेस करने हैं। कैसे करना है, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके साथ हमने करना है हमारा नी बेंड। नी बेंड कैसे करेंगे, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इनके हमने 4-4 सेट करने हैं, 4-4 ना कर पाए तो 3-3 कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सेम बेंच पर लेटना है, एंड देन लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक वर्कआउट। पहले हमने अपर एब्स के लिए करना है, देन लोअर एब्स के लिए करना है, तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। हमने 3-3, 4-4 सेट करने हैं, तो ये हमारा हो गया एक वर्कआउट। चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, सेकंड वर्कआउट जो आएगा हमारा अपर एब्स के लिए, वो हम प्लैंक्स करेंगे, क्योंकि हमारे जिम में मशीन है, हर जिम में मशीन नहीं होती है, वहाँ है बहुत अच्छी मशीन है, मैं तो उस पर कर लेता हूँ, लेकिन अगर उसमें करूँगा तो आधे लोगों के, मतलब कि 70% लोगों के जिम में नहीं होगी वो मशीन, तो मुझे कंप्लेंट करेंगे, सर है नहीं। तो हम प्लैंक्स करेंगे, इसमें हमने वेटेड प्लैंक्स करना है। वेटेड प्लैंक्स क्या होते हैं, कि जब हम प्लैंक करेंगे तो हमने अपनी कमर के ऊपर यहाँ पर 10 किलो की या 20 किलो की कोई भी प्लेट रखनी है, एंड मैक्सिमम टाइम के लिए हमें, हमारे ये हिप्स ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत नीचे नहीं आएंगे, सामने देखना, एंड देन लाइक दिस, इस पोजीशन में रहना है। इसके साथ हमने सुपर सेट जो हमारा करना है वो करना है लेग रेज। अभी हमने नी बेंड किया था, अभी हमने करना है लेग रेज। तो लेग रेज कैसे करेंगे, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। आपके जितने मैक्सिमम रैप आप निकाल पाओ उतने निकाल सकते हैं। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, 4-4 सेट करने हैं। ये हमारा भी एक सेट हुआ है,
हमने अभी एक मिनट का रेस्ट करना है, देन प्लैंक करेंगे, देन लेग रेज, देन प्लैंक, देन लेग रेज। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। सो गाइस पुली पर करेंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको वर्कआउट बताया था। इसमें हमने क्या करना है, नीचे बैठ जाना है और हमारे जो हाथ हैं ये एकदम स्ट्रेट रहेंगे और हमें अपने पेट को फोल्ड करना है। सारा जो वेट का फील है वो अपने स्टमक पर लेना है, अपने एब्स पर लेना है। तो कैसे करेंगे, लाइक वन टू, बहुत अच्छा अमेजिंग फील आता है इससे अगर आप सही फॉर्म में करोगे तो, वरना आप ऐसे ऐसे करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। हाथ हमारे कॉन्स्टेंट हैं, एक जगह पॉज हो गए हैं और हमारा सिर्फ एब्स का जो एब्डोमिनल एरिया है वो मूव कर रहा है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, रैप रेंज आप मैक्सिमम रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप जा सकते हैं। इसके साथ हमारा सुपर सेट आएगा, हमने फ्लैट बेंच पर नी बेंड करने विद डंबल। इसमें हमने क्या करना है, एक डंबल को लेना है, कोई भी डंबल लेंगे, 5 किलो का अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या 7.5 किलो का, उसको अपने पैर में फंसाना है एंड देन अपना वर्कआउट परफॉर्म करना है लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर से भी स्क्वीज करना और नीचे से भी, एक पॉइंट पर मिलाना हमारे एब्स को। तो ये हो गया हमारा एक सेट, फिर से वो करना है, देन ये करना है, देन फिर से वो करना है, देन ये करना है। तो इस तरह से हमें 4-4 सेट करना है। चलेंगे हमारे साइड्स के वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। इसके लिए हमने 4 एक्सरसाइज की एक साइकिल चलानी है। साइकिल चलानी है मतलब कि कैसे चलानी है, सबसे पहला एक्सरसाइज जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी लेग रेज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपको मैक्सिमम रैप्स करने हैं, जितने आप 15 20 30 50 100 जितने रैप्स आप कर पाओ। दूसरी एक्सरसाइज आएगी हमारी साइड बेंड, पुली पर करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे खड़े होना है एंड देन हमारा वेट जिधर है उधर ही स्क्वीज नहीं कराना है, अपोजिट साइड स्क्वीज कराना है लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन इसके अपोजिट साइड कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, देन इस थर्ड एक्सरसाइज आएगी हमारी साइड बैंड विद रॉड। तो रॉड ये तो थोड़ी भारी है, आपने हल्की वाली लेनी है जो आपके जिम में होगी। उफ, तो कैसे करना है लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने मैक्सिमम रैप्स आप कर सकते हो उतने कर सकते हो, जितने मैक्सिमम रैप आप कर सकते हो उतने कर सकते हैं आप। 10 15 20 50 100 150, कोई रैप रेंज नहीं है इसमें, हल्की रोड के साथ करनी है। तो हमारा फोर्थ वर्कआउट जो आएगा वो आएगा हमारा हाइपर एक्सटेंशन बेंच पर, हमने करना है साइड बेंड। कैसे करेंगे, लेट्स गो। सो गाइस शुरू करेंगे फोर्थ वर्कआउट के साथ। इसमें हमने क्या करना है, हाइपर एक्सटेंशन बेंच पर टेढ़े खड़ा होना है और अगर आपको कोई वेट रखना है अपने साथ में, कोई डंबल या कोई 10 किलो की प्लेट रखनी है तो वो भी रख सकते हैं एंड देन इधर स्क्वीज कराना लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन अपोजिट साइड इस साइड आके। तो ये हमारी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। जैसे मैंने बताया साइकिल चलानी है पूरी, अब हमने फिर से शुरू करना है साइड लेग रेज, देन पुली पर साइड बेंड, देन रॉड से साइड बेंड, देन इस पे साइड बेंड, फिर तीसरा सेट, फिर चौथा सेट, पांचवा सेट। आप इसके 3 4 5 सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइड्स का वर्कआउट। सो गाइस ये था वर्कआउट हमारा डे 62 का। आज हमने किए हमारे कार्डियो फैट बर्निंग एक्सरसाइजेज, हमारे एब्स, हमारे साइड्स। इसके बाद अगर थोड़ी बहुत जान बच जाती है तो 15-20 मिनट आप ट्रेडमिल, साइकिलिंग या आर्क ट्रेनर या क्रॉस ट्रेनर कुछ भी कर लें जिसमें कि आपकी कैलरीज ज़्यादा ज़्यादा बर्न हो जाएं, ताकि आपको घर जाके कम कैलरीज ना खानी पड़े। थोड़ी बहुत ज़्यादा खा लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं सबको। आई नो सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेज रहे हैं, फोटोज़ भेज रहे हैं, बहुत खुशी होती है कि इतने सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मेरे साथ। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जैसे बार बार बोल रहा हूँ, पहले महीने का फॉलो कर लें, देन दूसरे महीने का, देन तीसरे महीने के वर्कआउट पे आएँ। ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही फॉलो करते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले सारे लोगों का। तो अब मिलूंगा आपको कल के वाले वीडियो में।
तो गाइज अब आपको मिलूंगा कल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।